स्वागत है दोस्तों आप लोग का मोटर ड्राइव 24 पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए क्या आया हूँ, ब्रांड न्यू हैरियर। ये हैरियर का फ्रेशली मॉडल है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस कलर में टाटा ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इसके फ्रेशली मॉडल के साथ। कहने के तो ये एक फ्रेशली मॉडल है, लेकिन गाड़ी में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। इसका एक्सटीरियर पूरी तरह से बदल गया है, अंदर इंटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। वो सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हैरियर का वेरियंस बता दें। तो हैरियर में आपको टोटल 10 वेरियंट मिल जाता है, स्मार्ट, स्मार्ट ऑप्शनल, प्योर, प्योर ऑप्शनल, प्योर प्लस सनरूफ, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस और फियरलेस प्लस। और इसका डार्क एडिशन इसके ये प्योर प्लस सनरूफ वाले वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये हैरियर का टॉप वेरिएंट है, फियरलेस प्लस डार्क एडिशन। और इसका एक शोरूम का बात करें पटना का, तो ये आपको 25,04,000 का पड़ता है, और ऑन रोड प्राइस पटना ये आपको 28,78,000 पड़ जाता है। और बाकी आपको अभी के टाइम पे अगर हैरियर लेना है तो आपको इस पर कम से कम 2 महीना का वेटिंग पीरियड मिलने वाला है, तो आप उसी हिसाब से गाड़ी प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आप गाड़ी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका चाबी दिखा दें। तो आपको कुछ इस तरह का स्मार्ट की मिल जाता है, दो आपको चाबी मिलता है। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, इधर से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से इसके हेडलाइट को जला सकते हैं। तो आप गाड़ी देख लेते हैं, तो काफ़ी ऊंचा सा आपको इसका बोनेट एरिया मिल जाता है। आपको एसयूवी है तो थोड़ा सा हुड इसका आपको हाई मिलेगा। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन देखें तो पहले के कंपैरिजन में इसमें आपको बड़ा सा एलईडी डीआरएम मिल जाता है। इसको अनलॉक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। पहले वाले मॉडल में सिर्फ यहाँ पर डीआरएम आता था, अब इसको कनेक्टिंग स्टाइल में कर दिया गया। उसी के नीचे आपको यहाँ पर क्रोम में टाटा का लोगो मिल जाता है। इस पूरा गाड़ी में आपको सिर्फ यही पोर्शन है जो आपको क्रोम में मिलने वाला है, बाकी सारा चीज़ आपको डार्क में मिलने वाला है। इसका ग्रिल भी आप देख सकते हैं, पूरा डार्क ही आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको इसके टाटा के लोगो के नीचे कैमरा मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। साथ ही उसके नीचे आपको यहाँ पर रेडार दिया गया, क्योंकि इसमें आपको एडास भी मिल जाता है, और यहाँ पर रेडार को प्लेस किया गया। बाकी यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाता है फ्रंट में। और इसका हेडलाइट का बात करें तो काफ़ी छोटा सा इसको बना दिया गया। पहले आपको ड्यूल बैरल में हेडलाइट मिलता था, पर अब ये सिंगल चैनल है। ये आपको एलईडी प्रोजेक्टर बेस मिल जाता है, इसी में आपको हाई बीम और लो बीम दोनों मिल जाता है। आपको यहाँ जला के दिखा देते हैं कुछ इस तरह का। यहाँ पे नीचे में भी आपको प्रोजेक्टर बेस ही फॉग लाइट मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर आपको कर्टन दिया गया है एयर सर्कुलेशन के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी गाड़ी का फ्रंट लुक तो कुछ इसी तरह का है। नीचे वाला स्किड प्लेट भी आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर का ही दिया गया, तो ऑल ब्लैक आपको गाड़ी मिलने वाला है। बाकी गाड़ी का साइड प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो एक बार गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल देख लीजिए, काफ़ी लंबी लगती है गाड़ी। अब शुरुआत करते हैं इसके व्हील से। तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा, ये एक डार्क एडिशन है, तो इसमें आपको काफ़ी खूबसूरत सा ब्लैक कलर का अलवाज मिल जाता है, और 19 इंच का आपको इसमें टायर मिल जाता है। इसका टायर सेक्शन चेक करें तो यहाँ पर आपको 245/55R19 इंच का आपको इसमें टायर मिल जाता है, और डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत सा। बाकी इसके नीचे वाले वेरिएंट में आपको ये 18 इंच का व्हील मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लैडिंग दिया गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे हैशटैग डार्क का बैजिंग मिल जाता है। बाकी इसका ORVM का बात करें तो ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा भी दिया गया है। और इसका यहाँ पर हैंडल देखें तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, आप इसको प्रेस करिएगा, गाड़ी यहीं से लॉक अनलॉक हो जाएगा। और साथ ही इसके ORVM में ही आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर मिल जाता है, और यहाँ भी हैरियर का बैजिंग दिया गया, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ये एक SUV है, तो इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो ऑफ रोडिंग करने के टाइम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा का यहाँ पर एक सेलिब्रेशन बैजिंग मिल जाता है। 50 लाख गाड़ियाँ बिक चुकी है 25 साल में, जो अभी टाटा की सभी गाड़ियों में आपको ये वाला बैजिंग मिलेगा। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रूफ रेल मिल जाता है, जो कि फंक्शनल है। अब देखिए पूरा गाड़ी हिल जा रहा है। उसके अलावा इस पीछे का टायर चेक करें तो यहाँ पे आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो सेफ्टी को और भी इन्हेंस कर देता है। और छोटा सा आपको यहाँ पर क्वार्टर ग्लास एरिया दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका फ्यूल टैंक एरिया चेक करें तो यहाँ से आप इसके डीजल को भरवा सकते हैं। इसका यूरिया भरने के लिए आपको अंदर में दिया गया, यहाँ पे नहीं है, तो वो भी आपको दिखा देंगे। अब गाड़ी का रियर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो
गाड़ी पीछे से भी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको रियर स्पॉयलर दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है, और ये टाटा का यहाँ पे आपको हर गाड़ी में ये स्टिकर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारा चीज़ मिल जाता है। और एक छोटा सा चीज़ देखिए, आपको टाटा का हर गाड़ी में कोई ना कोई जानवर का यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिख जाएगा, यहाँ पर पैंथर जैसा बना हुआ है। उसके अलावा बात करें इसका रियर टेल लैंप का, तो इसका भी डिज़ाइन पूरा चेंज हो चुका है, और इसमें आपको बहुत अच्छा एनिमेशन भी मिल जाता है। जब भी गाड़ी को आप लॉक अनलॉक करिएगा तो ये वाला लाइट बहुत अच्छा वेलकम फीचर के साथ आता है, और पूरा कनेक्टिंग स्टाइल में आपको मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे इसका इंडिकेटर भी स्वाइप LED में मिलता है, यहाँ पे आपको टाटा का बैजिंग मिल जाता है, रिवर्स कैमरा यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हैरियर का बैजिंग मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर दो पार्किंग सेंसर मिल जाता है, और इसका रियर स्किड प्लेट भी यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिया गया है, और यहाँ इसका रिवर्स लाइट और रियर फॉग लैम्प को यहाँ पे प्लेस किया गया है, और यहाँ भी आपको थोड़ा सा गैप मिल रहा है एयर सर्कुलेशन के लिए। बाकी उसके अलावा इसके बूट को आप अनलॉक कर सकते हैं, तो इसमें आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, एक तो आप अंदर से खोल सकते हैं, दूसरा आप इस स्वाइप करिएगा तो ये ओपन हो जाएगा, और तीसरा आपको चाबी से भी आप अनलॉक कर सकते हैं, इसको प्रेस करके रखिएगा तो इसमें आपको पावर टेलगेट रिलीज मिल जाता है, और ये बहुत ही प्रीमियम फीचर है। ये इनफैक्ट आपको सिर्फ फॉर्च्यूनर में आता है, वो वाला फीचर आपको अब हैरियर के साथ भी दे दिया गया है, तो ये भी फेसलिफ्ट में एक ऐड किया गया है। बाकी इसका बूट देखें तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे लगेज एरिया मिल जाता है, 445 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे हुक मिल जाता है, आप अपना सामान टांग सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर लैम्प भी दिया गया है, और यहाँ पर आपको सबवूफर भी मिल जाता है, और इसका टूल स्टेयर व्हील का आपको यहाँ आगे की तरफ प्लेस किया गया है। बहुत लोग खोजेंगे कि कहाँ गया, पर यहाँ आगे की तरफ प्लेस किया गया है, और मैट लग गया इसलिए थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रहा है। और इसका स्टेयर व्हील को नीचे की तरफ प्लेस किया गया है, जो कि यहाँ पे है, और इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर आप अपना टूल पर एक्सेस कर सकते हैं, और इसी में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और बाकी यहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलता, कुछ स्टोरेज एरिया है यहाँ पे, और यहाँ आप यूरिया को भरवा सकते हैं। देखिए आप इधर उधर मत खोजिएगा, यहाँ पे दिया गया, यहाँ से आप यूरिया डलवा सकते हैं, और यहाँ से आप बूट को बंद कर सकते हैं। तो काफ़ी स्पेसियस है इसका बूट। चलिए आप गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी अंदर से चेक कराते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहीं से गाड़ी को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके डोर से, तो यहाँ पे वो काफ़ी खूबसूरत सा ट्राई एरो डिज़ाइन में पैटर्न दिख जा रहा है। यहाँ पे लेदर का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है, चारों आपको पावर विंडो का स्विच यहाँ मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल भी काफ़ी रगेड जैसा फील कर रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया, जो एक प्रीमियम टच देता है। इतनी महंगी सेगमेंट की गाड़ी है तो थोड़ा ये सब फिनिश देने से गाड़ी थोड़ा और प्रीमियम लगने लगता है। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको 1 लीटर का बोतल स्टोरेज दिया गया है, कुछ स्टोरेज एरिया आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही इसका सीट का बात करें तो इसमें आपको पावर एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, 6-way पावर एडजस्टेबल सीट आ जाता है मेमोरी फीचर के साथ, 3 आपको इसमें मेमोरी फीचर मिल जाता है। उसके अलावा आपको इसमें वेंटिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इंडिया के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये सब गाड़ी को देना चाहिए। आपको दोनों में वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके को ड्राइवर सीट को 4-way एडजस्ट कर सकते हैं, और इस सीट को आप 6-way एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसका कम्फर्ट देखें तो काफ़ी सॉफ्ट है इसका सीट, और यहाँ पर आपको हैशटैग डार्क का भी बैजिंग दिख जा रहा है, डार्क एडिशन है। चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं जल्दी से, और थर्ड आप सुने, टाटा की गाड़ी में थर्ड आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा। सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं, तो इसमें आपको बड़ा सा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और काफ़ी सारा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। चेक कर लें थोड़ा क्या क्या है इसमें, तो यहाँ पर आपको नेविगेशन आप यहीं पर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें मीडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, सेटिंग आपको यहाँ हो गया, ट्रिप से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप एवरेज देख सकते हैं, अभी 14 का एवरेज दिखा रहा है, और ये काफ़ी अच्छा, कल इसको हाईवे पे लेके गए थे तो ऑलमोस्ट 16 का एवरेज दिखा रहा था, तो एवरेज भी आपको बहुत सही है। थोड़ा फोकस कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ड्राइवर असिस्टेंट मिल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में एडास मिल जाता है, आपको यहाँ पर एडास का फीचर मिल जाता है, यहाँ से आप एडास को एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ आ जाता है,
और इसका स्टीयरिंग चेक करें तो इसमें आपको टाटा का यहाँ लोगो जलता है, काफ़ी नया आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इस साइड आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाता है और इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है, फोकस कर लें ये, और इधर साइड आपको ऑटोमेटिक इसका हेडलाइट भी मिल जाता है। और इस साइड आप देख सकते हैं पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसका यहाँ म्यूज़िक सिस्टम चेक करें तो काफ़ी बड़ा सा आपको 12.25 इंच का बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और काफ़ी सही बहुत सारे फीचर्स में आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एलेक्सा का सपोर्ट, एयर प्योरीफायर, यहाँ पे यहीं से आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को भी चेंज कर सकते हैं। JBL का आपको यहाँ पे मोड मिल जाता है म्यूज़िक सिस्टम का, आपको इसमें 10 JBL का स्पीकर मिल जाता है सब वूफर के साथ और आवाज़ काफ़ी अच्छा है। अभी आपको सुना नहीं सकते, कॉपीराइट का इशू आ सकता है। बाकी आप यहाँ पे फ़ोन से रिलेटेड कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी आ जाता है, वो भी आपको दिखा रहा है। सराउंड व्यू 360 डिग्री कैमरा भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ भी दिया गया, यहाँ पे आपको टच बेस मिल जाता है सारा कंट्रोल। AC को भी आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं, ड्यूल जोन आपको इसमें AC मिल जाता है। यहाँ से आपको 2 बटन दिया गया, बाकी सारा टच यहीं आपको दिया गया। और इसका कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बहुत सारा आपको इसमें मोड मिल जाता है। तो इतनी बड़ी गाड़ी है तो आपको ये कैमरा ऐसा दे दिया गया तो चलाने में भी काफ़ी आपको हेल्पफुल लगता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग मिल जाता है, जो अभी उतना विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी दिख रहा है, लेकिन रात में काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। और बहुत सारा इसमें कलर आ जाता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहीं से आप इसके फॉग लाइट को आगे और पीछे वाले को ऑन ऑफ कर सकते हैं, पीछे का बूट आप यहाँ से खोल सकते हैं, 360 डिग्री कैमरा यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, गाड़ी यहीं से लॉक कर सकते हैं, काफ़ी सारा चीज़ दिया गया है सो आप देख सकते हैं। और उसका नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आप फ़ोन रखिएगा चार्ज होने लगेगा। बाकी यहाँ पे तार लगा हुआ है टाइप सी है, आपको 45 वॉट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा बात है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेन रिस्पॉन्ड मोड आ जाता है, इस साइड आपको इको मोड मिल जाता है, इस साइड आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, हिल डिसेंट का भी बटन यहाँ दिया गया और ये आपको ऐसे बोल के बताता है। देख सकते हैं यहाँ वेट मोड आ गया, चेंज किया उसको तो उसके बाद रफ़ मोड आ गया और ये नॉर्मल मोड, 3 मोड आपको यहाँ दिया गया तो काफ़ी अच्छा। साथ ही ये मैनुअल वर्जन है तो आपको 6 स्पीड का यहाँ पे गियर मिल जाता है, रिवर्स आगे की तरफ रहेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है ऑटो होल्ड फीचर के साथ, आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है, आप अपना बोतल रख सकते हैं, ये परफ्यूम रखा गया है। और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ दिया गया है कूलिंग फीचर के साथ, और यहाँ भी आप पेन ड्राइव लगा सकते हो और चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसका यहाँ चेक करें तो लेदर दिया गया है, सॉफ्ट टच है तो गाड़ी चलाने समय आप यहाँ हाथ रख सकते हैं, काफ़ी आपको आराम प्रोवाइड कराएगा। और इसका ग्लव बॉक्स चेक करें तो स्लो रिलीज के साथ आता है और काफ़ी डीप आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है और अंदर की तरफ आपको लैंप भी दिया गया है। और इसका स्पीकर, इसमें आपको 10 JBL का स्पीकर मिल जाता है सब वूफर के साथ और ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ओके ओके। और यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, साथ ही जो इंडियंस को चाहिए वो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ पे लाइट दिया गया है, जैसे ही आप सनरूफ खोलिएगा तो वो लाइट बंद हो जाएगा, ये देखिए बहुत सही है। अब इसको बंद कर लेते हैं, 1 टच ही है और आपको लाइट दिखाते हैं यहाँ पे जो भी जलेगा। और ये देखिए एम्बियंट लाइटिंग इसके रूफ में दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लगता है रात के टाइम में। यहाँ पे इसके पिलर में आपको एयरबैग का बैजिंग दिया गया है, यहाँ पे आपको वैंटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ, और इस साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको LED में ही लाइट मिल जाता है। तो यही है हैरियर का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर एक दिया गया। तो फ्रंट डैशबोर्ड का लुक आपको दिखा दी, अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और इसका रियर सीटिंग कंफर्ट चेक करते हैं। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के रियर सीट पे, और गाड़ी में अंदर घुसना और निकलना काफ़ी आराम है, ज़्यादा हाइट नहीं है। शुरुआत करते हैं इसके डोर से, तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे विंडो ग्लास एरिया मिल जाता है। और इसके फेसलिफ्ट मॉडल में ये नया फीचर ऐड किया गया है, रियर विंडो कर्टन,
तो काफ़ी अच्छा फीचर है। पहले ये हैरे में नहीं आता था, इसके फेसली मॉडल में इसको ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे आपको फिनिश दिया गया है। पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पे 1 लीटर का बोतल स्टोरेज एरिया दिया गया है। और इसका सीट देखें तो 3 लोग तो काफ़ी आराम से बैठ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 4 लोग भी बैठ सकते हैं काफ़ी आराम से, और काफ़ी सॉफ्ट सीट है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हेडरेस में ये प्रीमियम फीचर कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए दिया गया। आप इसको ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसा आपको नीड हो। तो पीछे ज़्यादातर लोग पीछे ही बैठते हैं तो उनको कंफर्ट में ध्यान रखते हुए ये दिया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप स्टोरेज के साथ, साथ ही आपको 3 पीछे की तरफ आपको ये सीट बेल्ट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया बीच वाले पैसेंजर के लिए ये है। साथ ही आपको आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स भी मिल जाते हैं, और इसके सीट को आप 60-40 भी स्प्लिट कर सकते हैं जैसा आपको नीड हो। उसके अलावा इसका हम चेक करें तो आपको छोटा सा हम्प यहाँ मिल जाता है, लेकिन जो बीच में बैठेंगे उनको उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। पीछे की तरफ यहाँ आपको 2 चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एक टाइप ए और एक टाइप सी का, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। और यहाँ भी आपको मैगजीन होल्डर दिया गया दोनों सीट के पीछे। और इसका पैनोरामिक सनरूफ है तो आप पीछे बैठिएगा तो भी आपको यहाँ पर अच्छा व्यू मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हैंगर के साथ, LED में ही आपको यहाँ बल्ब मिल जाता है, सेम दोनों तरफ आपको वैसे ही मिलता है। और इसका चेक करें पीछे का, मेरा हाइट 5.6 है, उस हिसाब से आए का सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया गया था। और आप लेगरूम देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिलने वाला है, और अंदर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेक करें अगर ऐसे अपना जैसे हम हर बार चेक करते हैं तो 1-2 ऑलमोस्ट 2.5 मिल रहा है, तो काफ़ी वाइड है इसका सीट। और हेडरूम चेक करें तो इतना हेडरूम भी मिल जा रहा है, तो 6 फीट वाले लोग भी काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं, पीछे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और लॉन्ग जर्नी में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कंफर्ट है वो प्रोवाइड करेगा। और इसका रियर एसी आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पिलर में यहाँ पे दिया गया, तो काफ़ी अच्छा और स्पेसियस है रियर का रियर सीट। चलिए आप बाहर चलते हैं और आपको इसके इंजन चेक कराते हैं। तो इसका बोनट पहले ओपन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे वॉइस में बताएगा भी, बोनट ओपन हुआ उसका भी आवाज़ आ रहा है। तो भाई एक हाथ से तो नहीं उठने वाला है, टाटा है, काफ़ी हैवी है। बस एक चीज़ का यहाँ मिसिंग हो गया, हाइड्रोलिक में आपको यहाँ पे बोनट नहीं मिलता ओपन करने का, यही आपको रॉड मिलेगा। थोड़ा सा हाइड्रोलिक दे देता तो काफ़ी अच्छा लगता। तो ये हैरियर का 2 लीटर का डीजल इंजन, इसमें आपको पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका पावर फिगर का बात करें तो इसमें आपको 170 पीएस का पावर और 350 एनएम का टॉर्क मिल जाता है, 6 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। और इसका माइलेज का बात करें तो 15 से 16 के बीच में आपको काफ़ी आराम से ये माइलेज दे देगा। और इसका इंजन बेड आप देख सकते हैं पूरा कवर है, कहीं भी आपको कुछ खाली एरिया नहीं मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर इंसुलेशन दिया गया है, तो अंदर केबिन में आपको कोई भी आवाज़ नहीं जाएगा। और हैरियर की सेफ्टी की बात करें तो भाई टाटा की गाड़ी है और 5 स्टार का सेफ्टी रेटिंग इसको मिला है। हाल ही में इसको ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें इसको एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 5 में से 5 स्टार मिला है। और अभी इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार में हैरियर और सफारी का ही नाम आता है, तो सेफ्टी काफ़ी फीचर पैक है। और इसकी फीचर्स की बात करें इस ब्रांड में आपको कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं, तो 7 एयरबैग आपको मिल जाता है, नी एयरबैग को नया ऐड किया गया है। उसके अलावा इसमें आपको ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर आपको मिल जाते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा का गाड़ी है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, काफ़ी सेफ्टी इक्विप्ड आपको ये वाला वेरियंट मिल जाता है। उसके अलावा आपको हैरियर का ये वाला वेरियंट कैसा लगा, नया वाला हैरियर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।